हाँ स्टूडेंट, तो हम बोन ले रहे थे। जो बोन में कुछ टाइप की बोन होती है वो मैं निकाल रहा हूं। जो एक होती है सिस्मॉइड बोन, जो बोन टेंडन या लिगामेंट के हार्ड होने से बने उनको सिस्मॉइड बोन बोलते हैं। These bones are formed due to ossification of tendon and ligament. Tendon or ligament. Ossification भी वर्ड आता है, एक ऑस्टियोजेनेसिस वर्ड भी आता है। तो ऑस्टियोफिकेशन, ये अभी लेमोसिस्माइड बोन ऑस्टियोफिकेशन या ऑस्टियोजेनेसिस का मतलब बोन फॉर्मेशन। फिकेशन का मतलब भी बनना होता है, जेनेसिस का मतलब भी बनना ही होता है। ऑस्टियो का मतलब बोन, ओसी का मतलब बोन होता है। तो बोन के बनने को हड्डी बनती है, बोन जब बनती है तो इसको बोलते हैं ऑसिफिकेशन, ऑस्टियोजेनेसिस को बोलते हैं ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन या ऑस्टियोजेनेसिस यही बात है, बोन फॉर्मेशन को हम बोलते हैं। बोन जो बनेगी तो बोलेंगे ऑसिफिकेशन या ऑस्टियोजेनेसिस। अच्छा, मैंने शुरू में बताया था कि बोन हार्ड एंड नॉन प्लायबल होती है। नॉन प्लायबल क्यों थी बता दिया था, क्योंकि मिनरल्स वगैरह की वजह से बोन नॉन प्लायबल थी। फ्लेक्सिबल को प्लायबल का मतलब लचीलापन बताया था मैंने। प्लायबल का मतलब बताया मैंने फ्लेक्सिबल, लचीला। तो और नॉन प्लायबल, तो नॉन प्लायबल को मैंने कहा नॉन फ्लेक्सिबल। प्लायबल का मतलब फ्लेक्सिबल या लचीला, नॉन प्लायबल जो फ्लेक्सिबल ना हो। जो तो बोन को मैंने नॉन प्लायबल बताया और कार्टिलेज को मैंने प्लायबल बताया। नॉन प्लायबल एंड हार्ड और प्लायबल एंड सॉलिड, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, एलएनजी में, एलएनजी टेस्ट में, इसलिए बार बार बोलना पड़ता मेरे को। सॉलिड और प्लायबल, सॉलिड और फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होते हैं और हार्ड और नॉन प्लायबल बोन होती है। हार्ड बोन हार्ड भी होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती, लचीली नहीं होती। नॉन प्लायबल या नॉन फ्लेक्सिबल होती बोन। कार्टिलेज सॉलिड भी होता है और प्लायबल भी होता है, ये मैं करवा चुका हूं जो। अच्छा, बोन के बनने को ऑस्टियोफिकेशन या ऑस्टियोजेनेसिस कहा, लेकिन टेंडन और लिगामेंट से बोन बन जाए, टेंडन लिगामेंट में ऑस्टियोफिकेशन हो जाए, तो बोन को हम सिस्मॉइड बोन बोलते हैं। और सिस्मॉइड बोन के तीन एग्जांपल माने गए हैं। तीन एग्जांपल कौन कौन से हैं सिस्मॉइड बोन के लिए? पटेला बोन और नी कैप बोन। पटेला बोन और सवेला बोन, पिसिफॉर्म बोन, एंकल या टखने होती है पिसिफॉर्म। ये नी में होती है, घुटने में जो ये बोन, जैसे घुटने में ये बोन जो है उसको, घुटने के अंदर जो ऊपर कैप लगी हुई है उसको नी कैप या पटेला बोन बोलते हैं। जो पटेला बोन टेंडन या लिगामेंट से बनी है, सिस्मॉइड बोन है। रैबिट के अंदर फेबेला बोन होती है, जो रैबिट के फेबेला बोन सिस्मॉइड बोन है। और फिशेस के अंदर, सॉरी पाइसी बोन मतलब फिश जैसी, या एंकल या टखने होती है, ये भी सिस्मॉइड बोन है। तो ये सिस्मॉइड बोन है, टेंडन या लिगामेंट के ऑसिलेशन से बनी है। इररेगुलर बोन कौन कौन सी होती है?
कौन सी बोन है जिस जो जिसकी शेप ही नहीं है, इरेगुलर शेप की है जो, तो इरेगुलर बोन में वर्टिब्री भी आती है। इथमॉइड बोन भी है, स्फेनॉइड बोन भी है। इथमॉइड, स्फेनॉइड, वर्टिब्री, पैल्विक बोन भी है। हमारी हिप बोन या पैल्विक बोन इरेगुलर शेप की है, हमारी वर्टिब्री की कोई शेप नहीं है। पैल्विक बोन, हमारी पैल्विक बोन भी इरेगुलर है, वर्टिब्री भी इरेगुलर है, और दो बोन हमारी क्रेनियल बोन है, इथमॉइड और स्फेनॉइड। क्रेनियम के अंदर होती है दो बोन, इथमॉइड और स्फेनॉइड, ये चारों बोन इरेगुलर बोन होती है। इसके अलावा फ्लैट बोन कौन कौन सी है, किस बोन को हम बोलते हैं फ्लैट बोन है, ये जो ऐसी बोन जो बिल्कुल फ्लैट है, चपटी है जो, तो मोस्ट ऑफ क्रेनियल बोन्स जैसे फ्रंटल है, पैराइटल है, टेम्पोरल है, ओसिपिटल है, ये क्रेनियल बोन है। इन क्रेनियल बोन, इस सामने वाले को फ्रंटल बोन थे जो, ये क्रेनियम है, मैं यूं खड़ा हूं, ये सामने वाली फ्रंटल है, ऊपर वाली पैराइटल है, नीचे वाली टेम्पोरल है, सबसे पीछे वाली ओसिपिटल है। ये एक होती है, ये एक होती है, ये दो होती है, ये दो होती, छह बोन हुई। क्रेनियम में आठ बोन होती है, दो को तो इरेगुलर बोन में शामिल किया है, इथमॉइड और स्फेनॉइड बोन को इरेगुलर में शामिल किया है, शेप ही नहीं है इनकी तो जो। और बाकी के छह जो फ्लैट बोन में शामिल किया है, फ्रंटल, ओसिपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, पैराइटल दो, टेम्पोरल दो, ओसिपिटल एक, तो फ्लैट बोन हो गई, और इरेगुलर बोन हो गई। लॉन्ग बोन किसको बोलते हैं, शॉर्ट बोन किसको बोलते हैं, लॉन्ग बोन तो लॉन्ग बोन की अगर मैं बात करूं, ये हाथ से स्टार्ट करते हैं जो, हाथ में ये हुमरस है, इसके नीचे दो है रेडियस, अल्ना, ये है कार्पल, ये है मेटाकार्पल, और ये है फैलेंजेस। इसमें कार्पल तो शॉर्ट बोन है, ऑल आर लॉन्ग बोन्स। हाथ की कौन सी बोन शॉर्ट बोन है, कौन सी लॉन्ग बोन है, रिस्ट या कलाई में कार्पल होती है जो, रिस्ट में कलाई में कार्पल होती है, ये बोन शॉर्ट है और सारी लॉन्ग है, चाहे अपर आर्म की हुमरस, चाहे फोर आर्म की रेडियस अल्ना, चाहे मेटाकार्पल है अथेली में, मेटाकार्पल है पाम में, और उंगलियों में डिजिट में है फैलेंजेस। बोन की मोमेंट है लॉन्ग बोन का अलग चैप्टर आएगा, उसमें पढ़ेंगे जो, लेकिन क्या करें, यहाँ पे लॉन्ग बोन शॉर्ट बोन के एग्जाम्पल डाल दिए बुक वाले ने, कुछ कुछ कंपटीशन वाले ऑब्जेक्टिव बुक है उसमें डाल दीजिए।
तो लॉन्ग बोन में यहां बोन बताइए ह्यूमरस, यहां बताइए रेडियस अल्ना, ये जो है कलाई में कार्पल, अथेरी में मेटाकार्पल, पाम में, उंगलियों में फलेंजेस। इनमें सिर्फ शॉर्ट बोन में हमने कार्पल को शामिल किया और सारी बाकी बच गई, क्या बच गई, ये सारी लॉन्ग बोन बच गई। उसी तरह आप दूसरे पाओ लिख दिया है, कार्पल होती है रिस्ट के अंदर, रेडियस अल्ना यहां पे फोर आर्म बोलते हैं इसको, जो ह्यूमरस अपर आर्म के अंदर है, फलेंजेस उंगलियों में है। तो अब पैर की, पैर के अंदर लॉन्ग बोन कौन सी है, शॉर्ट बोन कौन सी है, पैर के अंदर लॉन्ग बोन और शॉर्ट बोन, इनको मिटा रहा हूं। पैर में ये बोन फीमर है जो थाई में है, थाई में फीमर है, थाई के घुटनी, ये घुटना है, नी है, नी में पटेला बोन अभी बताई मैंने, यहां पे दो बोन है घुटने के नीचे, टीबिया फिबुला, और ये एंकल या टखना है, एंकल या टखने में टार्सल बोन, और टार्सल के आगे है मेटाटार्सल। तो शॉर्ट बोन में ये शॉर्ट बोन आएंगे, जो टार्सल सात होती है, सातों टार्सल, कार्पल आठ होती है, टार्सल सात होती है, ये शॉर्ट बोन आएंगे। और नी कैप को भी शॉर्ट बोन में बोलेंगे, सारी लॉन्ग बोन है, पैर में भी सारी बोन लॉन्ग बोन है, सिर्फ शॉर्ट बोन कौन सी है पैर में, एंकल, ये जो एंकल या टखने की बोन है टार्सल, ये शॉर्ट बोन है, और ये पटेला जो नी में है घुटने में, ये शॉर्ट बोन है, और सारी बोन बच गई, थाई की फीमर, घुटने के नीचे की टीबिया फिबुला, टार्सल याद रखो, तो टार्सल के बाद में इसमें मेटाटार्सल, और उंगलियों को फलेंजेस बोलते हैं, ये सारी बोन क्या है, लॉन्ग बोन है। तो चार टाइप की बोन होगी, शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन, इरेगुलर बोन और फ्लैट बोन। फ्लैट बोन कहा बताया मैंने, लगभग क्रेनियल बोन फ्लैट बोन है, सिर्फ दो दो क्रेनियल बोन थी, इथमाइड और स्फेनॉइड, जो इरेगुलर थी, जो वर्टिब्री भी इरेगुलर थी, लॉन्ग शॉर्ट यहां से निकाल रहा हूं मैं, हाथ पैर में लॉन्ग बोन है, लेकिन एंकल और कार्पल टार्सल शॉर्ट बोन है, तो बोन इस तरह से बांट देते हैं। ये बोन है, ये बोन है, बोन का बीच वाला हिस्सा जो होता है उसको हम शाफ्ट बोलते हैं या डायाफाइसिस बोलते हैं। टिप पार्ट को बोलते हैं एपिफाइसिस, ये है एपिफाइसिस। बोन का बीच वाला हिस्सा साफ है डायफाइसिस, किनारे एपिफाइसिस होते हैं, इन दोनों के जंक्शन के ऊपर मेटाफाइसिस होता है, और इसके अंदर प्लेट को मेटाफाइजर प्लेट नहीं बोलेंगे, एपिफाइजर प्लेट बोलेंगे, एपिफाइजर प्लेट ऑफ कार्टिलेज, और ये प्लेट बोन की ग्रोथ में हेल्प करती है। इसके बारे में बता चुका हूं कार्टिलेज में, जो एपिफाइजर प्लेट के बारे में कार्टिलेज में बता चुका हूं, क्योंकि यहां कार्टिलेज की बनी हुई है, जो
इसके अलावा ये ऐसे होती है। एपिफाइसिस में पेरिओस्टियम नहीं होता है, क्या क्या होता है इसके अंदर, एक होता है एंडोस्टियम, या होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज नॉर्मली हेलाइन होता है, लेकिन कुछ जगह उमरस और फीमर में कैल्सिफाइड कार्टिलेज भी मिलता है, जो तो कार्टिलेज कुछ जगह कैल्सिफाइड मिलता है, वरना ज्यादातर जगह हेलाइन मिलता है बोन के टिप पार्ट पे। तो ये कार्टिलेज है एंडोस्टियम में, पेरिओस्टियम नहीं है। एपिफाइसिस किसका बना हुआ है, मेडअप ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज का बना हुआ है एंड एंडोस्टियम का बना हुआ है। एपिफाइसिस बना हुआ है बाहर से कार्टिलेज है, अंदर से एंडोस्टियम। शाफ्ट के अंदर जो बोन है, ये वाली बोन, ये बोन, इसको कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं, बोन ऑफ बोन फाउंड इन शाफ्ट। इस कार्ड कॉम्पैक्ट बोन कॉम्पैक्ट बोन किसको बोलते हैं, जो शाफ्ट के अंदर है। देखो लिख लो पहले थोड़ी देर, जो तो ये था कॉम्पैक्ट बोन के बारे में। कॉम्पैक्ट बोन शाफ्ट के अंदर है, एपिफाइसिस के अंदर ये सारी बोन, जो ये सारी बोन है, इसको स्पॉन्जी बोन बोलते हैं। इन दोनों बोन के बारे में बताऊंगा, इस शाफ्ट के अंदर मिलने वाले कॉम्पैक्ट बोन के बारे में, किनारे पर मिलने वाले स्पॉन्जी बोन के बारे में, दोनों के बारे में बताता हूं मैं। कॉम्पैक्ट बोन स्पॉन्जी बोन, कॉम्पैक्ट बोन को कॉर्टिकल बोन ही बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड कॉर्टिकल बोन, जबकि इसको बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड कैंसलर बोन, कैंसलर बोन बोलते हैं स्पंजी को, और ट्रेबिकुलर बोन भी बोलते हैं। टोटल बोन का 80% कॉम्पैक्ट बोन होती है। दीज आर 80% ऑफ टोटल बोन, ये 20% होती है। दीज आर 20% ऑफ टोटल बोन, पूरी बोन का 80% कॉम्पैक्ट है, 20% स्पॉन्जी बोन है।
लेकिन सरफेस एरिया की अगर बात करें, इट्स सरफेस एरिया इज 10% लार्जर देन कॉम्पैक्ट बोन. अंदर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, फोल्ड ही फोल्ड है, तो इसका सरफेस एरिया अंदर से 10 times ज्यादा है कॉम्पैक्ट बोन से. स्पॉन्जी बोन का जो एरिया अंदर से 10% ज्यादा है कॉम्पैक्ट से. जो वैसे टोटल एरिया, टोटल बोन 20% है, लेकिन एरिया इसका 10% ज्यादा है. अच्छा, हैवर्सियन कनाल और हैवर्सियन कनाल और हैवर्सियन लैमेली कॉम्पैक्ट बोन में मिलती है. हैवर्सियन कनाल एंड हैवर्सियन लैमेली आर प्रेजेंट. बोन की इंटरनल स्ट्रक्चर कराऊंगा तब बताऊंगा हैवर्सियन कनाल क्या होती है, हैवर्सियन लैमेली क्या होती है. यहां पे कोई हैवर्सियन कनाल नहीं है, कोई हैवर्सियन लैमेली नहीं है. बोन के अंदर ऐसे थे फाइबर लाइक जो स्ट्रक्चर है, बोन के अंदर ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे, इनको ट्रेविकुली बोलते हैं. इसलिए बोन को ट्रेविकुलर बोन बोलते हैं, क्योंकि इसमें ट्रेविकुली होती है, रोड लाइक. ट्रेविकुली कैसी किस शेप की होती है, रोड लाइक या फाइबर लाइक. फाइबर या रोड लाइक ट्रेविकुली होती है. स्पॉन्जी बोन के अंदर फाइबर लाइक या रोड लाइक ट्रेविकुली होती है, ऐसी ट्रेविकुली कॉम्पैक्ट बोन में नहीं है. नॉट ट्रेविकुली. कॉम्पैक्ट बोन के अंदर येलो बोन मैरो, पहले याद रखना होगा, पहले याद रखना होगा, बोन के अंदर खाली जगह होती है, उसको मैरो कैविटी बोलते हैं. मेडुलरी कैविटी और मैरो कैविटी, इट इज द कैविटी इनसाइड ऑफ बोन. बोन के अंदर जो कैविटी होती है उसको मेडुलरी कैविटी बोलते हैं, मैरो कैविटी बोलते हैं. और मैरो कैविटी या मेडुलरी कैविटी में जो टिश्यू भरा होता है उसको बोलते हैं बोन मैरो. टिश्यू फाउंड इन मैरो कैविटी इज बोन मैरो. बोन के अंदर जो कैविटी होती है उसको मैरो कैविटी या मेडुलर कैविटी बोलते हैं. उसमें जो टिश्यू होता है बोन मैरो होता है. बोन मैरो दो टाइप का होता है, रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो. येलो बोन मैरो. बोन के अंदर कैविटी को मैरो कैविटी बोलते हैं, उसमें टिश्यू को बोन मैरो बोलते हैं. बोन मैरो में लाल रंग का बोन मैरो, बोन में कैविटी को मैरो कैविटी का, टिश्यू को बोन मैरो का. जो बोन मैरो रेड कलर का उसको रेड बोन मैरो, येलो कलर का येलो बोन मैरो. रेड बोन मैरो मिलता है स्पॉन्जी बोन के अंदर, इट इज फाउंड इन स्पॉन्जी बोन. स्पॉन्जी बोन में रेड बोन मैरो मिलता है, येलो बोन मैरो इट इज फाउंड इन कॉम्पैक्ट बोन. कॉम्पैक्ट बोन यहां पे है येलो बोन मैरो, ये है, और स्पॉन्जी बोन में रेड बोन मैरो. रेड कलर का बोन मैरो स्पॉन्जी बोन में है,
येलो कलर का बोन मैरो कॉम्पैक्ट बोन है, येलो कलर का बोन मैरो इस कॉम्पैक्ट बोन में है, रेड कलर का बोन मैरो स्पंजी बोन के अंदर है। रेड बोन मैरो के अंदर रेड बोन मैरो में ब्लड बनाने वाला टिश्यू होता है, हेमोपोएटिक टिश्यू इज प्रेजेंट इन रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में हेमोपोएटिक टिश्यू है, ब्लड बनाने वाला टिश्यू है, ब्लड रेड बोन मैरो में बनता है। जो बर्थ से पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में पूरी बोन रेड बोन मैरो से भरी होती है, चाहे कॉम्पैक्ट बोन हो या स्पंजी बोन हो। इन एम्ब्रियोनिक स्टेज कंप्लीट बोन चाहे वो कॉम्पैक्ट बोन हो, कॉम्पैक्ट बोन हो या स्पंजी बोन हो, इज फिल्ड विद रेड बोन मैरो। सिर्फ रेड बोन मैरो होता है बोन के अंदर बर्थ से पहले सिर्फ रेड बोन मैरो मिलता है, चाहे कॉम्पैक्ट बोन है स्पंजी बोन हो। After birth, yellow bone marrow start to deposit होना स्टार्ट हो जाएगा बाथ के बाद येलो आ जाएगा। येलो बोन मैरो मतलब फैट का बना हुआ है, इट इज फिल्ड विद एडिपोज टिश्यू, इट इज फिल्ड विद फैट। येलो बोन मैरो में फैट भरी हुई है, रेड बोन मैरो में आरबीसी ब्लड भरा हुआ है। येलो बोन मैरो फैट का बना हुआ है, यानी फूड भी स्टोर होता है, सिर्फ ब्लड ब्लड ही नहीं बनाती, हड्डियां से खून बनता है, हड्डियों में फूड भी स्टोर होता है फैट के रूप में जो, और बॉडी को कैल्शियम भी देती हड्डियां जो, हड्डियों के तीन फंक्शन हो गए जो। मैं ये अभी दोबारा हूं यहां पे, बोन क्या कर रही है, कैल्शियम को स्टोर कर रही है, बॉडी का कैल्शियम बोन में है, मसल वगैरह को कॉन्ट्रेक्शन करने के लिए कैल्शियम चाहिए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम होता था, तो कैल्शियम बोन से जाता है, फालतू एक्स्ट्रा कैल्शियम को बोन स्टोर रखती है, जब बॉडी को जरूरत होती है तो कैल्शियम देती रहती है जो, तो कैल्शियम स्टोर करती है बोन। फूड स्टोरेज, ब्लड फॉर्मेशन, फालतू कैल्शियम बोन में होता है, हमारी बॉडी का जब जरूरत होती है देती रहती कैल्शियम, फालतू खाना भी कैल्शियम स्टोर होता है फैट के रूप में, और ब्लड भी बनाती है, खून भी बनाती है बोन जो है, और इसके अलावा बोन की अगर बात करें, हड्डियों की बात करें तो कैल्शियम भी हो गया। 25 साल की एज में रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो बराबर होते हैं, 50-50 होते हैं। एट द एज ऑफ 25 की एज में रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो आर फाउंड इन 50-50 रेशो, 50-50% रेशो।
यानी जैसे जैसे एज बढ़ती चली गई येलो बोन मैरो बढ़ता चला गया, जो रेड बोन मैरो ब्लड बनाता है, येलो बोन मैरो भी इमरजेंसी के वक्त एक्सीडेंट हो गया सारा ब्लड बाहर आ गया तो येलो बोन मैरो इमरजेंसी के वक्त ब्लड बनाता है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी येलो बोन मैरो फॉर्म ब्लड, मतलब ये चेंज हो जाएगा चेंज इनटू रेड बोन मैरो, इमरजेंसी के वक्त जब शरीर को ज्यादा खून की जरूरत होती है तो येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो में चेंज हो जाता है, ये भी ब्लड यानी ये भी ब्लड बनाने लग जाता है, पूरी बोन ही ब्लड बनाने लग जाती है इमरजेंसी के वक्त। कुछ बुक में ये कहा है कि येलो बोन मैरो एरियोलर टिश्यू है और उसमें फैट स्टोर करने वाली एडिपोसाइट सेल मिलती है, जो क्या कहा मैंने येलो बोन मैरो इज रेटिकुलर टिश्यू फिल्ड विद फैट या एडिपोसाइट, एडिपोसाइट वो सेल है जो फैट स्टोर करती है, येलो बोन मैरो बोला रेटिकुलर टिश्यू जिसमें फैट स्टोर हो गई है, रेड बोन मैरो में कौन कौन सी सेल बनती है रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो फॉर्म रेड बोन मैरो से बढ़ेगा प्लेटलेट आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में कौन से बनेंगे ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट, लेकिन ए ग्रेनुलोसाइट यानी लिम्फोसाइट की बात कर रहा हूं, बी और टी ये अनडिफरेंशिएटेड बनेंगी, जो प्लेटलेट रेड बोन मैरो में बनेगी, आरबीसी रेड बोन मैरो में बनेगा, डब्ल्यूबीसी मैंने पांच टाइप के बताए, तीन टाइप के तो ग्रेनुलोसाइट होते थे इओसिनोफिल बेसोफिल न्यूट्रोफिल, ये तीनों बढ़ जाएंगे यहां पे, इओसिनोफिल भी बन जाएगा बेसोफिल भी बन जाएगा तीनों डब्ल्यूसी बन जाएंगे यहां पे रेड बोन मैरो में, इओसिनोफिल बेसोफिल न्यूट्रोफिल, ए ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट तो बन जाएगा लेकिन लिम्फोसाइट नहीं बनेगी, लिम्फोसाइट अनडिफरेंशिएटेड बनेगी, जो बी सेल और टी सेल दो टाइप की लिम्फोसाइट होती है, ये करवा चुका हूं पूरा ब्लड जो, तो बी सेल और टी सेल ये लिम्फोसाइट सेल ये बनेगी लेकिन अनडिफरेंशिएटेड बनेगी, डिफरेंशिएटेड कहां होंगी, टी सेल ज्यादा थाइमस में होगी और बी सेल कुछ तो बोन में डिफरेंशिएट हो जाती है, कुछ कहते हैं कि बुशल टिश्यू में डिफरेंशिएट होती है, पेयर पैचेस वगैरह होते हैं वहां डिफरेंशिएट होती है, टॉन्सिल वगैरह में डिफरेंशिएटेड होती है, टी सेल थाइमस में डिफरेंशिएट होगी बढ़ गई लेकिन अनडिफरेंशिएटेड बनी है, सारे ब्लड की सारी सेल बढ़ गई जितनी भी सेल है, सिर्फ लिम्फोसाइट सेल बन तो गई लेकिन डिफरेंशिएट आगे जाके ये सारी डिफरेंशिएट भी होगी, ब्लड की सारी सेल बन भी गई डिफरेंशिएट भी होगी, कि सिर्फ किसको छोड़कर लिम्फोसाइट सेल को छोड़ो, लिम्फोसाइट सेल बनेगी भी बनेगी तो बोन में लेकिन डिफरेंशिएट होगी लिम्फोसाइट में, टी सेल होगी थाइमस में डिफरेंशिएट और बी होगी बुशल टिश्यू में डिफरेंशिएट, पेयर पैचेस या टॉन्सिल में डिफरेंशिएट होगी,
कुछ जगह बोला जाता है कि बोन में डिफरेंशिएट हो जाती है, इसका नाम बी सेल है, बी मतलब बोन, कुछ बोलते हैं बी का मतलब बुर्सल टिश्यू है, बी यू आर एस एल। चलो जो भी है, अभी यहां पे इतना ज्यादा अपने को जरूरत है नहीं। बी का मतलब बोन भी होती है और बी का मतलब बुर्सल टिश्यू भी होता है। बी का मतलब बोन भी है, बी का मतलब बुर्सल टिश्यू भी है, बुर्सल टिश्यू में पैर पचीस भी आ जाते हैं। तो बी सेल और टी सेल को छोड़कर सारी सारी ब्लड की सेल रेड बोन मैरो में बन जाती है। इसके अलावा तीन चीजें हैं जो बी सेल में जो बोन में बनती है। बोन में प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन बनता है, ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल बना देती है। बोन में ऑस्टियोब्लास्ट सेल फॉर्म फॉस्फेटिडेन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। बोन की ऑस्टियोब्लास्ट सेल तीन चीजें बनाती है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन इसका फंक्शन तो बता नहीं रखा था क्या करेगा, फॉस्फेटिडेन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये ग्रोथ में काम आता है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बोन वगैरह की ग्रोथ कराएगा, जो इंसुलिन हार्मोन जैसा है बोन की ग्रोथ कराएगा, इसलिए इसको बोलेंगे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। फॉस्फेट एंजाइम फॉस्फेट को रिमूव करता है, बोन के अंदर फॉस्फेट को हटाता है, जिससे हार्डनेस आती है बोन के अंदर, बोन में हार्डनेस आती है फॉस्फेट एंजाइम की वजह से, बोन में हार्डनेस आती है, फॉस्फेट हटता है बोन में और उससे हार्डनेस आती है, तो फॉस्फेट एंजाइम भी होता है। तो फॉस्फेट एंजाइम जो फॉस्फेट रिमूव करता है बोन के अंदर, जिससे हार्डनेस आती है, वो भी ऑस्टियोब्लास्ट सेल बनाती है, इंसुलिन जैसा ग्रोथ हार्मोन भी ये बनाती है ऑस्टियोब्लास्ट सेल, और ये जो इसके अलावा अगर मैं बात करूं सेल कुछ और होती है, मेरे हिसाब से आज इतना ही रहेगा और बाकी का बोन कल पढ़ेंगे, जो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बोन के बारे में ज्यादा, जो है फिलहाल इतना ही रहेगा। बोन की वैसे स्टडी को क्या बोलते हो, ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन, और बोन को मैंने कौन सा टिश्यू बताया है, हार्डेस्ट टिश्यू, ब्लड हो गया सॉफ्टेस्ट टिश्यू, बोन की स्टडी, बोन हार्डेस्ट है, ब्लड सॉफ्टेस्ट है, ये था बोन के बारे में। और बोन में ये फाइसिस वर्ड लगाया मैंने, फाइसिस वर्ड मैंने बताया, एपिफाइसिस बोन का किनारा, डायफाइसिस शाफ्ट और मेटाफाइसिस इन दोनों के बीच में। ये फाइसिस वर्ड और कहां कहां सुनोगे, ये नाम सुनो, एपिफाइसिस दूसरा नाम है पीनियल ग्लैंड का, अनदर नेम ऑफ पीनियल ग्लैंड। बोन का किनारा भी एपिफाइसिस होता है और पीनियल ग्लैंड का दूसरा नाम एपिफाइसिस है। एक हाइपोफाइसिस आता है, अनदर नेम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम हाइपोफाइसिस है, फाइसिस लगे हुए सब जगह, जो पैराफाइसिस इन हेयर, पैराफाइसिस हेयर लाइक है इन ब्रायोफाइटा या मोस
ऑन साइड ऑफ एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया, ऑन साइड ऑफ एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया। और एक एपोफाइसिस होता था, कैप्सूल का लोएस्ट बॉटम पार्ट, कैप्सूल जो होता था उसका बॉटम पार्ट। पिच्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम हाइपोफाइसिस होती है, नीचे की तरफ होती है। पीनियल ग्लैंड का नाम दूसरा नाम एपिफाइसिस है, ऊपर की तरफ होती है। पैराफाइसिस एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया के दोनों तरफ हेयर होते थे मोस के अंदर, मोस के अंदर मेल ब्रांच फीमेल ब्रांच होते थे। एंथ्रेडिया आर्किगोनिया के दोनों तरफ हेयर को हम पैराफाइसिस बोलते थे। और ये एपोफाइसिस है। ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट होता था, स्पोरोफाइट होता था। स्पोरोफाइट के तीन पार्ट होते थे, फूट सेटा कैप्सूल, और कैप्सूल के तीन पार्ट होते थे एपोफाइसिस थिखा उपरक्रम। तो एपोफाइसिस वहां आता था। ब्रायोफाइटा में दो होते हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट नीचे होता है, मिट्टी पर अटैच होता है, गैमेट बनाता है। स्पोरोफाइट स्पोर बनाता है। और स्पोरोफाइट के तीन पार्ट है एपोफाइसिस, फूट सेटा कैप्सूल, कैप्सूल का सबसे नीचे वाला पार्ट क्या था एपोफाइसिस। तो ब्रायोफाइटा में एपोफाइसिस कैप्सूल का सबसे नीचे वाला पार्ट, एंथ्रेडिया आर्किगोनिया के दोनों तरफ हेयर, पैराफाइसिस, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और ये मैंने आज करवाई दी है, ठीक है। तो मैं ये यही रोक देता हूँ जो है। ये फाइसिस बहुत हो गए हैं, तीन ये तीन आर्गोन में पड़े हैं, शाफ्ट को मेटाफाइसिस का और किनारों को एपिफाइसिस, बीच में डायफाइसिस, तीन ये पड़े। ये पिट्यूटरी, ये पीनियल ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पांच, और ये कैप्सूल जो मोस है उसका नीचे वाला छह, और हेयर एंथ्रेडिया आर्किगोनिया की तरफ पैराफाइसिस सात। तो ये सात फाइसिस हैं जो जगह जगह पढ़ते हो। तो हमने ये आज सात फाइसिस पढ़ लिए।